बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। कैटरीना कैफ को बॉलीवुड का हिस्सा बने हुए 15 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। अपनी ब्यूटी और एक्टिंग के टैलेंट की वजह से वो करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। आइए आपको बताते हैं कैटरीना कैफ के बारे में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको पहले से पता ना हो। कैटरीना के फैंस को पता है कि उन्हें 2003 में बूम नाम के बॉलीवुड फिल्म में पहली बार देखा गया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये कैटरीना की पहली फिल्म नहीं होने वाली थी। उन्हें पहले साया में महेश भट्ट ने कास्ट किया था, लेकिन उस वक्त कैटरीना बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा। कैटरीना 2013 में फोर्ब्स के इंडियन वर्जन के टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी। ये लिस्ट भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की इनकम और पॉपुलैरिटी पर आधारित थी। उस समय कैटरीना की अनुमानित कमाई 66 करोड़ रुपए थी। कैटरीना ने एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया था। 2004 में उन्होंने तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी के लिए 75 लाख रुपए लिए, जो उस समय के हिसाब से किसी एक्ट्रेस को साउथ इंडियन सिनेमा में दी गई सबसे ज्यादा फीस थी। कम लोग ही जानते हैं, लेकिन कैटरीना भारत से बिलोंग करती हैं। हालांकि वो आधी ब्रिटिश और आधी भारतीय हैं। उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी वंश के एक ब्रिटिश व्यापारी हैं। कैटरीना कैफ उनका असली नाम नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनकी पहली फिल्म बूम की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ ने कैटरीना का नाम टारकेटी से बदल कर कैफ कर दिया, क्योंकि आयशा को लगा कि ये लोगों के लिए प्रोनाउंस करना आसान होगा। कैटरीना को कैट कहा जाना पसंद नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सच कहूँ तो लोग जब मुझे कैट कहते हैं तो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसने शुरू किया। कैटरीना ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में की थी। उनकी मां सुजैन ने ही उनकी होम स्कूलिंग की थी। कैटरीना ने लंदन में पेशेवर रूप से मॉडलिंग करना शुरू किया और लंदन फैशन वीक के दौरान ही फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताग ने पहली बार कैटरीना को देखा और उन्हें बूम फिल्म का ऑफर दिया। कैटरीना थोड़ी अंधविश्वासी हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अपनी फिल्म के रिलीज होने से पहले वो मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर और माउंट मैरी चर्च और अजमेर के दरगाह शरीफ में जाती हैं। कैटरीना अब एक दशक से भी अधिक समय से भारत में रह रही हैं, लेकिन ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वो यहाँ पर वर्क वीजा पर काम करती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कैटरीना के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो शायद आपको पहले ना पता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए।